अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की एग्जीबिशन, जो फ्लावर एग्जीबिशन है। मौसम में बहार की आमद है। इस बहार की आमद के मौके पर जो है हमारे साथ मौजूद हैं इनके चेयरमैन, जिन्होंने ये खूबसूरत फूल जो आपको सजे हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेंट किया। आइए इनके चेयरमैन साहब से हम जानते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, इतनी बड़ी काविश और खूबसूरत सा माहौल बना दिया, मौसम बहार की आमद वाकई दिखा दिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया पीस टी वी का। दूसरा ये कि ये हमारा शो तो होना था रोज़ा जैस्मिन गार्डन में जी। वो बहुत बड़ा शो होता है, स्प्रिंग फ्लावर्स वेजिटेबल एंड बर्ड शो जी। लेकिन वो ड्यू टू रेंस, कंटिन्यूस रेंस थी, जिसकी वजह से वो हमने कैंसिल कर दिया वो 21, 22, 23 को होना था। तो 23 को फिर जब कैंसिल हो गया, साथ रमज़ान शुरू हो गया। रमज़ान में आपको पता है फिर ये सारा गमले उठाने, इतना बड़ा काम वो नहीं हो सकता। फिर हमने उसका ये अल्टरनेट किया कि हमने कहा कि इसको अपना लोगों ने इतने तैयार किए हैं, चलें लोगों को ये अपना कट फ्लावर करके दिखा दें। ये फिर कट फ्लावर का हमने अपना प्लान किया और आपके सामने आज हमने ये शो अपना कर दिया। और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के लोग, जिसमें सी डी है, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, सी एम एच है, ये सारे महकमे आए हैं और एमएचओस लोग भी आए हैं। वो तो सारे के सारे वो बड़े खुश हुए कि हमें जी, जब तक हमारा कोई काम देखे ना तो हमें खुशी नहीं होती, तो इसलिए उनको फिर हम उनको इनक्रेज करने के लिए ये चीज़ करते हैं, उनको प्राइजेस देते हैं, उनको कैश प्राइजेस देते हैं और पब्लिक के लिए फ्री अपना होता है ये शो। जो मर्जी आए लोग आके देखें, सारे के सारा हमारे साथ जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है। थैंक यू, कीप वॉचिंग पाकिस्तान पीस टीवी। इस एग्जीबिशन में कुछ लोग आए हैं जो फूलों को देख रहे हैं, आए इनके जो है हम व्यूज लेते हैं, क्या कहते हैं फूलों के बारे में। सर अपना पहले बता देंगे तारुफ। अच्छा, मैं सुलेमान हूँ, इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं और मेरी मिसेस, हम दोनों आज आए हैं इस एग्जीबिशन पे, इनवाइटी थे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। फूलों में तो हर बंदे को ही अच्छा ही लगता है, क्योंकि इतने कलरफुल चीज़ें देख के तो अल्लाह ताला की याद आपको आती है और आप सुभानअल्लाह कहने पे मजबूर हो जाते हैं। मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इन्हें फूल देख के किन की याद आती है और कैसे लगता है, थोड़े अपने तसव्वुरात बताएंगे। बस फूल देख के तो अच्छा ही लगता है, डेफिनेटली एक आई वुड से कि डी स्ट्रेसर भी है फूलों के बीच में रहना, इतने रंग देखना मुझे जो है बस। और घरों में जो आप सजावट और इसी तरह डेकोरेशंस, अनफॉर्चुनेटली मैं सजावट और डेकोरेशन के हवाले से फूलों को इतने वो नहीं देखती, नेचुरली या आर्टिफिशियली लाइक करती है। हाँ, आर्टिफिशियली पसंद है, पर रियल का क्योंकि ख्याल बहुत रखना पड़ता है और ऑफकोर्स एक मेंटेनेंस करनी पड़ती है जो कि एक हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए। तो आप क्या कहेंगी, होने चाहिए नेचुरल फ्लावर? डेफिनेटली नेचुरल में जो ब्यूटी है वो तो आर्टिफिशियल में हो ही नहीं सकती ना, इम्पॉसिबल है ना, वो कलर्स आ सकते हैं, ना वो खुशबू आ सकती है और ना वो लुक आ सकती है जो नेचुरल फ्लावर्स की होती है, तो डेफिनेटली जी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमार और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पीस टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं मार्गला रेस्टोरेंट होटल में, इस्लामाबाद में। यहां जो हमारी एक एग्जीबिशंस है, एक नुमाइश है, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, नेशनल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ जो है फूलों के हवाले से, प्लांट के हवाले से नुमाइश इस्लामाबाद में पाकिस्तान में लगाती रहती है। इसकी पहले भी मैंने एक नुमाइश थी मौसम खिजाम में, जो फूल थे उन्होंने लगाई हुई थी रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन में, जिसकी आपको पहले भी मैंने आपको दिखाई थी पूरी रिपोर्ट। आज जो ये प्रोग्राम है इसके हवाले से तरतीब दिया है इनके नेशनल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान ने। जिन ये खूबसूरत फ्लावर जो आप देख रहे हैं, जिन्होंने इतने ये सजावट, ये डेकोरेशन बनाई, कौन है उनके बारे में हम जानेंगे। मैं पहले तो अपना नाम अपने तारों जी, माय नेम शाजिया और मैं यहाँ पर इनके बहुत पुरानी पार्टिसिपेंट हूँ। हर साल यहाँ पे हम लोग जो है वो अरेंजमेंट करते हैं और ये अरेंजमेंट करना ही नहीं बल्कि प्राइज भी विन करते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट करके ये सारी अरेंजमेंट जो है ये मेरी, आपको कैमरा साथ साथ दिखाता चलेगा ये जो आप जी बिल्कुल, ये सारी अरेंजमेंट्स मेरी हैं। ये फ्री स्टाइल अरेंजमेंट, ये इक्कीबाना अरेंजमेंट। अच्छा,
जी नाज़रीन, आपने ये देखी है ये नुमाइश, जो इनकी पार्टिसिपेंट हैं, इनकी एफर्ट है बहुत अच्छी है, खूबसूरत डेकोरेशंस के स्टाइल्स आपको नज़र आ रहे हैं, फ्लावर्स को किस तरह डेकोरेट किया गया है आप देख रहे हैं, ये प्यारे से ये जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है ये सारी इन्हीं की काविश है जो है इन्होंने बनाए हैं। और साथ साथ मैम बताती चलेंगी इन डेकोरेशंस के बारे में, ये बहुत यूनिक किस्म के कंटेनर्स में इनकी अरेंजमेंट्स की गई हैं। ये देखें वैज में इनको कैसे इसको फिक्स करके वुड को यहाँ पे इसको अप्लाई किया है। यहाँ पे ये देख लीजिए ये ग्लास, ग्लास को किस तरह अरेंज करके उसका स्टैंड बना के ग्लास के अंदर अरेंजमेंट की हुई है। इसी तरह आप आगे आ जाएं तो ये सीपी है, इसके अंदर पानी डाल के इसको इस पानी प्लांट को दिया गया है ताकि प्लांट को पानी मिलता रहे। इसी तरह डिफरेंट यूनिक स्टाइल में हम लोग यहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं। हाँ जी, ये भी अरीबा खालिद की है और इन्होंने भी बॉटल के अंदर कुछ वायर शायर फिक्स करके तो अरेंजमेंट की है। जी नाज़रीन, ये सारे जो है ये इकिबाना अरेंजमेंट, ज्यादातर क्योंकि बच्चियां आजकल बहुत ज्यादा सीख रही हैं और उनका रुझान भी इसी की तरफ है, इकिबाना अरेंजमेंट, और डिफरेंट स्टाइल में ये लोग यहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं और प्राइजेस विन करते हैं। ये देख लीजिए ये इकिबाना स्टाइल, इनको पानी देने के लिए तरीका देख लीजिए कि इन्होंने किस तरह फ्लावर को यहाँ पे फिक्स किया है और उसके बाद इसमें स्टैंप लगा के इसको अरेंज किया है। थैंक यू फॉर गिविंग अ टाइम, सो नाइस ऑफ यू।